उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जहाँ की हर जिले की संस्कृति उसे और राज्यों से अलग बनाती है। आज हम आपको चमोली जिले के एक ऐसे मेले के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने आप में चमोली का एक बड़ा मेला है। तस्वीरों को देखकर आपको ये अंदाजा तो लग रहा होगा कि मेले में चहल पहल और कितनी भीड़ है। आपको बता दें, हम जिस मेले की बात कर रहे हैं उसे गौचर मेला के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 18 मई 1943 को हुई थी। दरअसल तिब्बत से लगने वाले दो जनपदों पिथौरागढ़ और चमोली में भोटिया जनजाति के लोगों की पहल से ये मेला शुरू हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जनपद में जीवन की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये हाट बाजार लगाया जाता है, जिसके बाद हाट बाजार ने धीरे धीरे मेले का स्वरूप ले लिया। आपको बताते चलें कि चमोली जनपद में नीति माणा घाटी के जनजातीय क्षेत्र के प्रमुख व्यापारी और जागृत जनप्रतिनिधि स्वर्गीय बाल सिंह पाल ने व्यापारिक मेले का विचार प्रतिष्ठित पत्रकार और समाज सेवी स्वर्गीय गोविंद प्रसाद नोटियाल के सम्मुख रखा था, जिसके बाद तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के सुझाव पर महानवम्बर 1943 में प्रथम बार गौचर में व्यापारिक मेले का आयोजन शुरू किया गया। आज ये मेला संस्कृति, बाजार, उद्योग तीनों के समन्वय के कारण पूरे उत्तराखंड में लोकप्रिय बना हुआ है। मेले में जहां रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की दुकानें लगाई जाती हैं, वहीं जनपद में शासन की नीतियों के अनुसार प्राप्त उपलब्धियों के स्टॉल भी लगाए जाते हैं। मेले में स्वास्थ्य, पंचायत, सहकारिता, कृषि, पर्यटन आदि विषयों पर विचार गोष्ठियाँ होती है, तथा मेले में स्वस्थ मनोरंजन, संस्कृति के आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। वहीं प्रत्येक वर्ष पर्यटन विभाग उत्तराखंड द्वारा अनुदान की धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है। इस मेले पर जानकार कई बार ये मत भी देते हैं कि लोग एक दूसरे से मिल सकें, इसलिए मेलों का आयोजन किया गया। आपको बता दें, आजादी से पहले हर वर्ष मेले की तिथि निर्धारित नहीं रहती थी, परंतु आजादी के पश्चात गौचर में मेले का आयोजन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर 14 नवंबर से एक सप्ताह की अवधि तक किए जाने का निर्णय लिया गया। नेशन वन से रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।